मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकता है, ऑफिस में विवाद हो सकते हैं, विवादों से बचें, और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कर्क राशि, करियर में आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपकी तरक्की होगी, परिवार में आपके रिश्ते अच्छे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है।
परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बड़ों की सलाह मान करके चलें, आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, मन परेशान हो सकता है, प्रेम संबंधों का रिश्तों का थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में लाभकारी परिवर्तन होगा, संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।